अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि दुखी हो कौन रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछने के लिए थोड़ा सा करेज चाहिए अंदर से। जो भीड़ चाल में जो पूरी दुनिया चल रही है उससे अलग एक सोच चाहिए ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि दुनिया पूछती ही नहीं है। मतलब जो पूरी दुनिया मान रही है हम भी आंख बंद करके उस चीज को मान लेते हैं, पर पूछो अपने आप से तो सबसे पहला जवाब क्या मिलेगा, मैं हो रहा हूं दुखी। सिंपल है कि उस पर्सन के मेरे से अलग होने की वजह से दुखी हो कौन रहा है, मैं हो रहा हूं। मैं मतलब कौन, क्या ये बॉडी दुखी हो रही है? सोचो, पूछो अपने आप से, क्या बॉडी दुखी हो सकती है? बॉडी को दर्द हो सकता है, लॉजिकल है, बॉडी को दर्द हो सकता है, बॉडी दुखी नहीं हो सकती। करके दिखाओ बॉडी को दुखी, है कोई तरीका? नहीं है। आंखें दुखी हो सकती है, नाक दुखी हो सकती है, कान दुखी हो रहा है? अगर हो रहा है तो ENT से इलाज कराओ, है कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है। स्किन दुखी नहीं हो रही, कुछ भी दुखी नहीं हो रहा। इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं कि एक बॉयफ्रेंड है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो 4 साल से साथ में है, वो दोनों अलग हो गए। तो अब ये जो इमोशंस हैं, ये है क्या, ये बॉयफ्रेंड क्या है? थोड़ा सा डीप है, टच करूं? yes. मैं कोशिश करूंगा इसको सिंपल करने की। पहले तो ये देखो, ये बॉयफ्रेंड क्या है? आप जो कि एक लड़के हो, ठीक है, और लड़के होने से पहले आप क्या हो, एक बॉडी हो। आप जा करके जुड़ गए किसी और इंसान से जो आपके लिए एक दूसरी बॉडी है, जिसको आपने नाम दे दिया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं बॉयफ्रेंड हूं। अब एक लड़का क्या बन गया, बॉयफ्रेंड बन गया। अब ये बॉयफ्रेंड क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर इसको आप समझ पाओ तो। अगर आपकी इस बॉडी के अंदर से उस लड़की जिसके साथ आपका रिलेशन है उसकी सारी यादें निकाल दी जाए, सिर्फ उसकी, आपके अंदर एक बेटे की याद भी रहे, एक स्टूडेंट की याद भी रहे, एक इंप्लॉई की याद भी रहे, लड़के की याद भी रहे, सारी यादें रहे, सिर्फ उस लड़की से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आप पहली बार मिले, उसको देखा, उससे बात हुई, समझ गए, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं 1 साल तक आप उसके साथ रहे, सिर्फ वो वाली यादें निकाल दी जाए, तो बॉयफ्रेंड कहां है? बहुत डीप है, इसको ध्यान से समझ लेना। तो मतलब कि बॉयफ्रेंड क्या है, देयर इज नो बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड इज नथिंग बट मेमोरीज ऑफ गर्लफ्रेंड। समझ गए, मेमोरीज पे टिका है सारा का सारा खेल, हमारे सारे थॉट्स मेमोरी पे टिके हैं। तो इमोशंस क्या है, हमारी एनर्जी कैसे तेज चलने लग जाती है एकदम से, मेमोरी, उसको हम प्यार कहें, ये कहें, वो कहें, कुछ भी बोलते रहे, क्या फर्क पड़ता है, इट इज नथिंग बट मेमोरी। अजीब लग रहा है सुनने में, प्रैक्टिकल है? अब क्लैशेस क्यों होते हैं, अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर हो गए ना, ये बेसिक्स की बातें कर रहा हूं मैं इस समय, ये फंडामेंटल्स है लाइफ के, फंडामेंटल्स, ये क्लियर हो गए तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं, देखो ध्यान से समझो, मैं हूं बॉयफ्रेंड, कोई और है गर्लफ्रेंड, आप गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, तो आपके अंदर इस बॉडी से रिलेटेड जो यादें पड़ी हुई है, उन यादों से जो आपने अपने आप को जोड़ लिया है, ठीक है, वो एक गर्लफ्रेंड है। और सेम यहां पर भी यही है कि इस बॉडी के अंदर, इस ब्रेन के अंदर जो मेमोरी पड़ी हुई है आपसे रिलेटेड, वो बॉयफ्रेंड है। क्लियर हो गया? तो अब आपकी मेमोरी अलग है इस बॉडी से रिलेटेड, इस बॉडी की मेमोरी अलग है उस बॉडी से रिलेटेड, ठीक है। जब ये दो मेमोरीज अलग अलग हैं और पूरी तरह से अलग है, ये भी समझ आ रहा है, पूरी तरह से अलग है, कुछ भी दूर दूर तक नहीं मिलता है, आपके एक्सपीरियंसेस मुझसे रिलेटेड अलग हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस आपसे रिलेटेड बिल्कुल अलग है, तो क्लैश होना ही होना है। जब तक हम इस पर्टिकुलर मेमोरी से अपने आप को डिटैच करके, बिना मेमोरी के मैं आपको नहीं देख लेता, जैसे आप हो वैसे आपको नहीं देख लेता, तब तक क्लैशेस रहेंगे। एक है मेरे पास में तरीका,
अपनी मेमोरी के थ्रू इनको देखने का, एक है बिना मेमोरी के देखने का, क्योंकि मेमोरी इज नॉट द रियल थिंग। मेरे माइंड में जो गर्लफ्रेंड की इमेज है वो क्या है, जो मेमोरीज हैं। मेमोरीज क्या हैं? वो नहीं जो ये एक्चुअल में है, वो जो मैं देखना चाहता हूं, उसमें मिलावट है। मैं कैसे देखूंगा? जैसे मेरी अपब्रिंगिंग होगी, जैसे मैं बचपन से इस दुनिया को देखता आया हूं, वैसे मैं इनको देख रहा हूं, एज इट इज नहीं देख रहा। ऐसे ही आप जब मुझे देख रहे हो तो आप रियल संदीप को नहीं देख रहे। संदीप की अपनी एक इमेज अपने माइंड में बना ली है, उसको आप देख रहे हो, उसके बारे में आप सोच रहे हो, उससे आपको प्रॉब्लम है। समझो, प्रॉब्लम किसको किससे है? दो बॉडीज को आपस में कभी एक दूसरे से प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। कैसे हो सकती है? प्रॉब्लम सारी की सारी जो है वो मेमोरी से रिलेटेड है। मैं आपके बारे में कुछ सोच रहा हूं जो सच नहीं है, कि वॉट एवर यू थिंक अबाउट संदीप इज नॉट द रियल संदीप। समझ पा रहे हो? इसको प्रूव करना है अभी। आप सब लोग यहां पर बैठे हो, जो भी आप मेरे बारे में सोच रहे हो, सब अलग अलग सोच रहे हो। कोई अपने माइंड में कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ। उसमें से सच क्या है? वो जो मैं एक्चुअल में हूं या वो जो आप मेरे बारे में सोच रहे हो? जो मैं एक्चुअल में हूं। इसका मतलब आप जो भी कुछ सोच रहे हो मेरे बारे में वो सब झूठ है। सोचो, इसका मतलब जो भी कुछ आप सोच रहे हो वो सब क्या है? जब इस बॉडी से रिलेटेड आप कुछ भी सोच रहे हो वो सब झूठ है, और इस बात को आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो मेरे साथ साथ में, देख पा रहे हो झूठ और सच में डिफरेंस क्या है? सच मतलब वो जो सबके लिए सच है, झूठ मतलब क्या? जो सबके लिए सच नहीं है, जो वक्त के साथ बदलता है, टाइम के साथ बदलता है, सिचुएशंस के साथ बदल जाए, जो बदल जाए वो सच कैसे हो सकता है? तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब मेमोरी के स्तर पे है। जहां आपको ये सब बातें समझ आ गई तो अब आप क्या करोगे बताओ? आप बिना अपनी मेमोरी के दुनिया को एज इट इज देखना शुरू कर दोगे। इतना आसान है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम है? सोचो, आप एज इट इज इस दुनिया को देख पा रहे हो सच के बेस पे। समझ आ रहा है कि मैं अगर आपको देख रहा हूं एज अ गर्लफ्रेंड तो मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बारे में जो भी कुछ मैं सोच रहा हूं उससे प्रॉब्लम है। जो मैं सोच रहा हूं उससे या तो मेरे को प्यार है या उससे नफरत है। समझो, आपसे रिलेटेड जो मेरे माइंड में एक्सपीरियंसेस फीड हो गए हैं, जो नॉलेज फीड हो गई है, या तो मेरे को उससे प्यार हो रहा है या मुझे उससे नफरत हो रही है। आपकी बॉडी से ना तो मुझे प्यार है ना ही मुझे नफरत है। इस बॉडी से रिलेटेड जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसको मैं प्यार करता हूं। वो एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं तो मैं कहता हूं कि मैं उसको प्यार करता हूं। वो एक्सपीरियंसेस बुरे हैं तो मैं क्या कहता हूं? नफरत करता हूं। अच्छा, अच्छे एक्सपीरियंसेस ज्यादा हैं, बुरे कम हैं, तो मैं क्या कहूंगा? मैं प्यार करता हूं। अच्छे एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा हैं तो मैं क्या कहूंगा? बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। शादी के पहले एक्सपीरियंसेस जो अच्छे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, बुरे एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा हो गए, अच्छे कम हो गए। तो वो प्यार किस में कन्वर्ट हो गया? नफरत में। नफरत किस में कन्वर्ट हो गया? डिवोर्स में। डिवोर्सेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मेमोरी के थ्रू चल रहे हैं ना भैया। ये बॉडी है जो इस बॉडी के बारे में कुछ सोचती है। मैं मतलब क्या? जो भी कुछ मैं इस बॉडी के बारे में सोचता हूं, दैट इज मैं। मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं बदसूरत हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो इमेज इस बॉडी के बारे में जो सोचती है वो उसके साथ में चिपकी हुई है। वहां से इमोशंस पैदा हो रहे हैं, समझ गए? तो इसका मतलब हम किसी और को प्यार नहीं करते, हम सिर्फ खुद को प्यार करते हैं। हम उन मेमोरीज से प्यार करते हैं। अगर हम इसको देख पाए, इसको समझ पाए, और हम धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर दें उस मेमोरीज पे से, और इस बॉडी की तरफ अपना ध्यान मोड़ दें जो रियलिटी है इन कंपैरिजन टू मेमोरी,
और फिर इस बॉडी को समझने की कोशिश करें कि ये बॉडी मेरी कैसे है, जब सब कुछ ही भगवान का है तो मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? उसी को दुखी होने दो ना, उसी को खुश होने दो। क्या हुआ, आप बीच में से निकल गए। जैसे ही आप बीच में से निकल गए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। यहां तक सब कुछ समझ आ गया? फीलिंग्स कहां से पैदा होती हैं, इमोशंस कहां से पैदा होते हैं, सिंपल वे में अगर जिससे भी रिलेटेड आपको कोई फीलिंग हो रही है, चाहे अच्छी या बुरी, कोई इमोशंस हैं अच्छे या बुरे, उससे रिलेटेड मेमोरी को निकाल दो। कहां है फीलिंग और कहां है इमोशन बताओ? सिर्फ सेंसेशन होगी, टच किया तो सेंसेशन होगी, फीलिंग नहीं होगी, इमोशंस नहीं होंगे। या तो गर्म है तो गर्म लगेगा, ठंडा है तो ठंडा लगेगा। जोर से दबाएंगे तो दर्द होगा, नहीं जोर से दबाएंगे ऐसे से करेंगे तो ठीक है। जिसको आप अपना दुश्मन समझते हो, वो आकर के यहां पे ऐसे टच कर दे धीरे से, तो क्या होगा? अरे गुस्सा आ जाएगा, आना ही आना है। दूसरी तरफ से कोई ऐसा इंसान जिसको हम बोलते हैं कि वो हमको बहुत प्यार करता है, वो आकर के ऐसे टच करे तो क्या होगा? मजा आ गया, कैसा इमोशन उठेगा? बढ़िया। दूसरी तरफ से कैसा इमोशन है? नेगेटिव। जब नेगेटिव इमोशन है तो रिएक्शन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। फिर वो पूरा का पूरा साइकिल घूम गया। पॉजिटिव है तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। दुनिया क्या कर रही है? पॉजिटिव इमोशंस के पीछे भाग रही है। पॉजिटिव इमोशंस कैसे पैदा होंगे? ऐसे लोगों के थ्रू जिससे रिलेटेड हमारे अंदर पॉजिटिव मेमोरीज हैं। कोई ऐसे इंसान के थ्रू पॉजिटिव इमोशंस पैदा हो सकते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स पैदा हो सकती हैं, पॉजिटिव थॉट्स पैदा हो सकते हैं, जिससे रिलेटेड हमारे माइंड में कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस पड़े हुए हैं, उसके पीछे हम भागेंगे। लेकिन वही इंसान अगर बदल गया तो उससे रिलेटेड हमको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मिलने शुरू हो गए तो वही अच्छी फीलिंग बुरी फीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, अच्छे इमोशंस बुरे इमोशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? फिर किसी ऐसे इंसान को ढूंढने की शुरुआत होगी जो हमको कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस दे सके। हमको किसको? इस बॉडी को। जो दे पाएगा उससे हम चिपकते चले जाएंगे, उसको हम प्यार का नाम देंगे, कुछ भी नाम देते रहो, क्या फर्क पड़ता है? जबकि प्यार मेमोरी के थ्रू हो ही नहीं सकता। प्यार इज नॉट पॉसिबल थ्रू मेमोरी, है भी तो वो टेम्पररी है। कुछ देर के लिए जब हमारी मेमोरी बीच में से निकल जाती है, दो लोग साथ में हैं, ठीक है, एक हस्बैंड और वाइफ साथ में हैं, कुछ देर के लिए वो एक दूसरे की मेमोरी को भूल गए हैं, एक दूसरे की कमियों को भूल गए हैं, समझ रहे हो, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को भूल गए हैं, कहीं हॉलीडे पे गए हुए हैं, सब कुछ भूल गए हैं। तो क्या होता है उस मोमेंट में? प्यार होता है। जब मेमोरी नहीं होती, कोई थॉट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो प्यार होता है, दैट इज लव। लेकिन फिर जैसे ही कुछ याद आ जाता है तो क्या होता है? प्यार गायब। तो कुछ सेकंड्स के लिए हम उस प्यार को एक्सपीरियंस करते हैं, फिर मेमोरी के वापस आ जाते ही वो प्यार गायब हो जाता है। अकेले में जब आप बैठे होते हो, यू नो व्हाट इज हैप्पीनेस एंड व्हाट इज प्लेजर? प्लेजर सबको पता है, प्लेजर क्या होता है? खाते हैं उसको हम प्लेजर बोलते हैं, प्लेजर जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। हैप्पीनेस क्या है? देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, हैप्पीनेस क्या है? जो रियल गोल होना चाहिए हम सबका, दैट शुड बी आनंद, हैप्पीनेस, अंदर से खुशी। वो क्या है मैं बताऊं? कब होते हो आप असली में कब खुश होते हो? जिस वक्त आप खुद को भूल गए होते हो, उस वक्त आप खुश होते हो। 24 घंटे में से सबसे ज्यादा खुश कब होते हो आप? सबसे ज्यादा जब सो रहे होते हो। क्यों? क्या होता है उस टाइम पे? उस टाइम पे बॉडी भी होती है, सब कुछ होता है, क्या नहीं होता? सांस भी चल रही होती है, डाइजेशन भी चल रहा होता है, एवरीथिंग इज देयर। क्या नहीं होता उस वक्त? मैं से रिलेटेड कोई थॉट नहीं होता। जहां मैं से रिलेटेड कोई थॉट होता है वहां सिर्फ दुख होता है। एक तो है जब सो रहे हैं तो 8 घंटे वो तो पूरा निकल गया, बाकी का जो टाइम बचा मतलब कि 16 घंटे, 16 घंटे में से कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट आप निकाल दो ऐसे होते हैं जब इंसान खुद को भूल जाता है, अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाता है, अपनी जो बॉडी से रिलेटेड कमियां हैं उसको भूल जाता है,
मुझे क्या चाहिए उसको भूल जाता है, मेरे पास क्या नहीं है उसको भूल जाता है। जैसे ही हम भूल जाते हैं तो क्या होता है, हम खुश होते हैं, उसको खुशी बोलते हैं, उसको हैप्पीनेस बोलते हैं। नहीं तो हम प्लेजर के पीछे भाग रहे होते हैं। प्लेजर क्या करता है, कुछ देर के लिए बॉडी में ऐसी सेंसेशन देता है जहां से कुछ पॉजिटिव इमोशन क्रिएट हो सके, फिर वो निकल गया। वही सेंसेशन अगर आपको बार बार दी जाए तो क्या होगा, उसी से आप इरिटेट हो जाओगे, बोर हो जाओगे, वही प्लेजर पेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लेजर और पेन एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। अगर आपको जेन्युइनली खुश होना है तो क्या रास्ता है, कोई ऐसी एक जगह होनी चाहिए हमारे अंदर जहां पर जा करके हम खुद को भूल जाएं। जहां ना मैं रहे, मैं मतलब वो मैं जिसको मैं कहता हूं, यानी इस बॉडी से रिलेटेड मेमोरीज, ना तू रहे, तू मतलब क्या, तेरे से रिलेटेड मेमोरीज, नहीं तो एक्चुअल में मैं और तू कहां है, वही एटम जो मेरे अंदर है वही अभी इस टेबल के अंदर है, चेयर के अंदर है, आपके अंदर है, हम सब जुड़े पड़े हैं, बस आंखों से अलग अलग दिख रहे हैं। साइंटिफिकली हम जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअली हम जुड़े हुए हैं, हर तरह से हम जुड़े हुए हैं। मैं और तू है क्या, तेरे से रिलेटेड मेमोरी है तू, मेरे से रिलेटेड यानी कि इस बॉडी से रिलेटेड मेमोरी है मैं। जहां पर ये मेमोरी गई वहां पर क्या हुआ, मैं गया, तू गया, क्या रह गया, जो हमारा बेसिक नेचर है वो रह गया। बेसिक नेचर क्या है, सत चित आनंद, आनंद, पीस, शांति। वो हमारा रियल नेचर है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब शुरू होती है, जब मैं अपने आप को किसी थॉट से या किसी बॉडी से आइडेंटिफाई करता हूं। इसको ध्यान से समझ लेना। एक है हमने अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम्स शुरू, एक नहीं दो नहीं अनलिमिटेड प्रॉब्लम शुरू, जहां आपने कहा कि आई एम दिस बॉडी, बच नहीं सकते। दूसरा, और मैं क्या है, मैं किस पे टिका हुआ है, इस बॉडी से रिलेटेड जो भी आपकी यादें हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ तब नहीं है, इसको ध्यान से समझना, प्रॉब्लम सिर्फ तब नहीं है जब अपने आपको आप ये बोलते हो कि मैं ये बॉडी हूं, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिजिकल लेवल पे है। जहां बोलते हो कि मैं ये माइंड हूं, यानी कि थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी कुछ आप अंदर फील कर रहे हो, गुस्सा, डिजायर्स, ये वो जो भी कुछ कर रहे हो, जहां आप कहते हो मैं ये हूं, तब और भी बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे, इस बॉडी के अंदर करोड़ों मेमोरीज पड़ी हुई हैं, इस बॉडी के अंदर करोड़ों मेमोरीज पड़ी हुई हैं, जो इस बॉडी की मेमोरीज से बिल्कुल अलग है। इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है, होना ही होना है, क्योंकि इस बॉडी की मेमोरी में जो पड़ा हुआ है सही, वो उस बॉडी की मेमोरी में पड़ा हुआ है गलत। पति के लिए जो है सही, वो पत्नी के लिए है गलत। व्हाट डज दैट मीन, कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे आप जोड़ दो 700 करोड़ बॉडीज जिनके अंदर करोड़ों मेमोरीज और सब आपस में टकरा रही हैं, तो यहां पर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या किया आपने, आपने ये जान लिया कि मैं सिर्फ ये बॉडी ही नहीं हूं, साइंटिफिकली भी, स्पिरिचुअली भी, अरे मैं इससे रिलेटेड जो मेमोरीज पड़ी है ये भी नहीं हूं। तो अब अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो किसको आ रहा है, इस बॉडी के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है, मेमोरी में कुछ ऐसा फीडेड है जिस वजह से गुस्सा आ रहा है। वो जो फीडेड है उसको चेंज कर दो, गुस्सा आना बंद हो जाएगा। फिर चेंज कर दोगे तो क्या होगा, जल्दी बोलो, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। सिंपल है, नहीं आया समझ में, आ गया, सॉफ्टवेयर है ये, रियलिटी है। एक एग्जांपल दूं, आप कुछ अच्छा सुनना शुरू कर दो, दिन रात कुछ अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, क्या होगा, कुछ टाइम के लिए प्रोग्रामिंग चेंज हो गई, गुस्सा आना कम हो जाएगा। कुछ बुरा सुनना शुरू कर दो, अच्छा सुनना बंद कर दो, तो क्या हुआ, जब वो वायरस आ गया तो प्रॉब्लम शुरू। लेकिन चाहे कुछ अच्छा हो रहा है चाहे कुछ बुरा हो रहा है, मेरे दोनों से कोई कनेक्शन नहीं है भैया। ये जानना इज एनलाइटनमेंट।